ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्र में कपूर का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। कपूर से घर में पूजा अर्चना की जाती है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। साथ ही कपूर के कुछ आसान टोटके हैं जिनसे धन लाभ भी होता है। आइए ज्योतिष आचार्य से जानते हैं। देखिए, पूजन पाठ में हम कपूर का उपयोग करते हैं तो निश्चित ही भगवान प्रसन्न होते हैं। कपूर से आरती करने का हमारे यहाँ शास्त्रीय विधान है। हवन में भी कपूर का उपयोग होता है। तो कपूर जो है वो शांति का प्रतीक है। कपूर जो है उसका संबंध चंद्र से होता है, वो शीतलता का प्रतीक होता है। यदि हम सफेद चंदन में कपूर मिलाकर के उसको घिस करके अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं तो हमको शीतलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि तो चंद्र का संबंध होता है कपूर से। तो यदि हम जेब में कपूर रखते हैं तो निश्चित ही वो शीतलता व शांति हमारे को मानसिक रूप से प्राप्त होती है, जिसके कारण हमारे चेहरे की चमक भी बढ़ती है और वैवाहिक जीवन में भी हमको सुखमय, हमारा वैवाहिक जीवन भी सुखमय हो जाता है। घर में कंडे की अग्नि को प्रज्वलित करके उसके ऊपर घी और कपूर छोड़ करके यदि हम जो धुआं उत्पन्न होता है उसको पूरे घर में यदि हम फैलाते हैं, पूरे घर के कमरों में उस धुएं को लेकर के जाते हैं, इससे पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। पितृदोष इत्यादि जो है, पितृदोष इत्यादि भी शांत होता है। देवी को यदि हम कपूर और लाल पुष्प यदि देवी के मंदिर में जाकर के चढ़ा करके आते हैं तो हमको धन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार वास्तु में भी कपूर का ऐसा ही कहा गया है। वास्तु के अनुसार यदि कपूर का एक छोटा टुकड़ा हम यदि हमारे जेब में रखते हैं तो निश्चित ही हमको धन की प्राप्ति होती है।